जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन प्रेस टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। सर बताइएगा, एक तो आपके जलसे के हवाले से थी दरखास्त, और क्या बना आज ओवरऑल? आज दो केस थे, जलसे के हवाले से थी, एक दफ्तर को डी सील करने के लिए थी, जो दफ्तर को डी सील करने के लिए थी और उसमें सी डी ए का वकील पेश हो गए, उसने कहा जी मुझे जवाब देने का टाइम दिया जाए, और कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी कि कल सुबह 10 बजे तक जवाब दे दें, और जवाब देने की सूरत में ये होगा कि उसकी एक एडवांस कापी हमें देंगे और मंडे को डेट फिक्स कर दी जाए। और दूसरा जो जलसे का था, जलसे की इजाज़त दे दी है 8 तारीख को, मगर उन्होंने बेईमानी और बदजानती ये की कि जलसा जाकर रवात में करें, जीटी रोड के ऊपर, रवात का आखिरी कोना जीटी रोड के ऊपर। ये आज तक इस्लामाबाद के जलसा ऐसा नहीं हुआ तो जाकर रवात में होता हो। हमने मांगी थी इजाज़त एफनाइन पार्क की, हज़ारों की तादाद में जलसे हुए हैं एफनाइन पार्क, परेड ग्राउंड और पिशावर मोड़ के ऊपर। तमाम पोलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे इकतदार में भी इन सारी पोलिटिकल पार्टीज ने किए, और हमें कभी कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने परमिशन भी नहीं ली। हमने तो इसलिए ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, और 2 महीने पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया था, पर आज चूँकि कंटेम्प पिटीशन थी, कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा है कि आप इस पर फ्रेश रेट पिटीशन फाइल करें। तो हम अभी सोच रहे हैं कि इस पर फ्रेश रेट पिटीशन इंशाल्लाह फाइल करेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडे को। आप अदालत से फिर लोकेशन जो जलसे की चेंज कराएंगे, उस करेंगे वो चेंज। अच्छा ये बताइएगा कि FIU साइबर क्राइम ने इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करके रात तफ्तीश की, अडयाला जेल में जाके रात गए, कहा जा रहा है उनको मजीद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए, या ये प्रोसेस जो आगे बढ़ेगा तो क्या कहा जा रहा है इमरान खान के लिए मजीद कुछ परेशानियां होंगी? ये भी एक सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, उसके ऊपर पीटीआई रहनुमा के इन बेईमानों में कौन सी है जो बदमाशी और बेईमानी नहीं की? पहली बात तो यह है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन बना, और वो कमीशन था हमूदुररहमान कमीशन, उसके बारे में अगर किसी ने कोई बहस कर दी है तो ये कहाँ एंटी स्टेट होगी? भाई हमूदुररहमान कमीशन को पढ़ो ना, उसमें जो जो किरदार थे उसके बारे में डिस्कस करना, तो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट तो फिर जाओ जस्टिस हमीदुररहमान से पूछो कि उसने क्यों लिखा। लिहाजा ये सारी बेईमानी है, बदमाशी है। और दूसरा, इमरान खान जेल में, उसके खिलाफ क्या आप एक्शन ले सकते हैं? इमरान खान ने किसको क्या कहा है, क्या लिख के दिया है? तो लिहाजा इमरान खान का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। तो इन बदमाशियों के पास अब कोई चारा कार नहीं रहा, अब ये बेईमानी और बदमाशी के जरिए ज्यादा अरसे के लिए इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये भोंडे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका अब इख्तिताम हो चुका है, आवाम जान चुकी है, और उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं।